हेलो एवरीवन चलो शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास तो पहले चैप्टर में कंपनीज़ एक्ट के हमें क्या पढ़ना है अब अब हमें पढ़ना है कि हमारी कंपनीज़ कितने तरीके की होती हैं तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं हाउएवर कुछ किसके किसके बेसिस पे किस किस टाइप की कंपनी हो सकती है इस क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब आप किस ढंग से इनकॉर्पोरेट हुए हो उसके बेसिस पे अलग अलग तरीके की कंपनी होती है इसमें से सिर्फ एक ही तरीके की कंपनी ऐसी है जो एक्चुअल में कंपनी है रजिस्टर्ड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी या सिर्फ कंपनी आप कुछ भी ऐसा बोलो तो जो कंपनीज एक्ट 2013 या फिर प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई है जिसकी डेफिनेशन हमको दी हुई है सेक्शन टू क्लॉज ट्वेंटी में उसको हम आइडियली एक कंपनी या रजिस्टर्ड कंपनी या इनकॉर्पोरेटेड कंपनी बोलते हैं ठीक है हाउएवर पॉपुलरली ऐसे क्या बोलते हैं अरे यार वो ये कंपनी है वो कंपनी है ऐसे लोग बोल देते हैं ठीक है तो स्टैट्यूटरी कंपनी हम किसको बोल देते हैं कंपनी जो कॉन्स्टिट्यूट हुई है कंपनीज एक्ट में नहीं बट स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जैसे हमारे पास एल आई सी एक्ट आई उसमें गठन हुआ एल आई सी का नव एल आई सी इज़ वॉट एल आई सी इज़ नॉट अ कंपनी ऑल दो इट इज अ बॉडी कॉरपोरेट बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है बॉडी कॉर्पोरेट एक ऐसी एंटिटी होती है जिसमें सारे फीचर्स होते हैं जैसे परपेचुअल सक्सेशन होगा जैसे कैपेसिटी टू स्यू बी स्यूड होगा जैसे आर्टिफिशियल पर्सन होगा मतलब अब कंपनी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है द आंसर इज येस पर क्या ये एल कंपनी है एलआईसी बॉडी कॉर्पोरेट तो है बट इट इज नॉट अ कंपनी क्यों कंपनी सिर्फ वही होती है जो सेक्शन टू क्लॉज ट्वेंटी में डिफाइंड हो मतलब जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो अब क्योंकि एल तो रजिस्टर्ड है नहीं तो वो कंपनी नहीं है पर सारी कंपनी के पास वो फीचर्स हैं तो सारी कंपनी बॉडी कॉरपोरेट तो हो जाती है ठीक है तो आप एक लाइन कहीं लिख सकते हो एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉरपोरेट बट नॉट एवरी बॉडी कॉरपोरेट इज अ कंपनी रिपीट करूं फटाफट से करना होगा बड़ा लंबा सफर है एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉरपोरेट बट नॉट एवरी बॉडी कॉरपोरेट इज अ कंपनी तो जैसे एल हो गई अब एल क्या है एल आई सी इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाई अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इसको हम स्टैचूटरी कंपनी से बोल देते हैं ठीक है हमारे लिए बहुत रेलिवेंट नहीं है अगला आता है चार्टर्ड कंपनी अब ये तो एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत कॉन्स्टिट्यूट हुई ये किसी पर्टिकुलर चार्टर के तहत कॉन्स्टिट्यूट हुआ जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक है तो वो सब क्या हो जाते हैं बाय रॉयल चार्टर भाई राजा महाराजा होते थे ना हाँ, तो उसके तहत हुआ समझ लो ठीक है तो वो क्या हो गई चार्टर्ड कंपनी हो गई ठीक है तो ये ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन हुआ अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी थोड़ा तो मैंने आपको बताया है बट यही तो जबरदस्त फीचर है यार कंपनी बनाने का नहीं तो प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप बना के हम बैठते है ना पर जो हमारी कंपनीज रजिस्टर होती हैं कंपनीज एक्ट में वो कैसे कैसे रजिस्टर होती है या तो वो कंपनी होती है लिमिटेड या तो कंपनी होती है अनलिमिटेड अनलिमिटेड भी हो सकती है हाँ अनलिमिटेड विद शेयर कैपिटल विदाउट शेयर कैपिटल भी हो सकती है ठीक है बट अनलिमिटेड कंपनी कोई क्यों बनाएगा एग्जिस्ट right? राइट वाट मत देना यार मेरे कहने पर ठीक है अब आते हैं हम लिमिटेड कंपनी पे क्या लिमिटेड कंपनी में जो कंपनी की लैबिलिटी होती है वो लिमिटेड हो जाती है आंसर इज नो कंपनी की लैबिलिटी अभी भी अनलिमिटेड होती है कंपनी के मेंबर्स की लैबिलिटी लिमिटेड हो जाती है तो अगर कंपनी के मेंबर्स हैं और वो जो कंपनी है इट इज अ लिमिटेड कंपनी और उसमें शेयर कैपिटल है मतलब लिमिटेड विद बाय शेयर्स है तो क्या होगा मैंने कंपनी से वादा किया कि कंपनी आपका दस रुपए का शेयर है मैं वो दस रुपए का शेयर एक शेयर लूंगी और मैंने कंपनी को दस रुपए मुझसे एक रुपया no. क्यों? था वादा किया था कि मैं दस रुपए का शेयर लूंगी और उस पर रुपए दिए तो क्या वो चार रुपए मांग सकते हैं हाँ। चार रुपए घटेगा ना तो वो तुरंत मांग लेकिन आई एम लाइबल टू कंट्रीब्यूट क्योंकि मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है टू दी अमाउंट अनपेड ऑन शेयर हेल्ड बाय मी तो वो दस रुपए का एक शेयर शेयर हेल्ड बाय मी उस पर अनपेड अमाउंट चार रुपए चार रुपए के लिए मैं लाइबल हूं पर सिर्फ और सिर्फ चार रुपए तक के लिए ही लायबल हूं उसके आगे के लिए आई एम नॉट लायबल ठीक है अब आते हैं कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी लिमिटेड बाई गारंटी में विथ शेयर कैपिटल भी होता है विदाउट शेयर कैपिटल भी होता है तो विथ शेयर कैपिटल है तो शेयर कैपिटल के लिए सेम रूल लग गया गारंटी अमाउंट का क्या होता है भाई कंपनी है कंपनी में मैंने गारंटी दी, दी दी है एक लाख रुपए की मैंने कहा भाई देखो जब कंपनी बंद होगी अगर कंपनी के पास फंड्स नहीं होंगे एक लाख रुपए की मैं गारंटी लेती हूँ एक लाख रुपए मैं इसमें कंट्रीब्यूट करूंगी अब कंपनी बंद होने को आ गई वाइंडिंग अप हो रही है कंपनी की सब एसेट बेचे जा रहे हैं लाइबिलिटीज पे ऑफ कर रहे हैं चार क्रेडिटर खड़े भाई हमारा उधार दो हमारा उधार दो सबको पेमेंट की जा रही है पैसे घट गए सो यू हैव टू कंट्रीब्यूट टू दी एसेट्स मतलब आपको पैसे के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा तभी उन लोगों के पैसे पेमेंट होंगे अब कंपनी आपसे मांगी जा रही है लाओ चार लाख लाओ पांच लाख लाओ देगी क्या है क्यों नहीं देंगे लिमिटेड लाइबिलिटी इसीलिए तो हमने इन्वेस्ट किया था इसीलिए तो हम इस कंपनी के मेंबर बने थे तो लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब एक लिमिट होगी कितनी लिमिट होगी अप टू दी वु वी हैव गिवन सो इन केस ऑफ श्योर्स जितना अनपेड अमाउंट था ऑन इन केस ऑफ गारंटी जितनी हमने गारंटी ली है ठीक है

इंडिंग आप अलग से कॉपी में भी लिख सकते हो वाइंडिंग अप इज द प्रोसेस ऑफ सेल ऑफ एसेट्स टू पे ऑफ लाइबिलिटीज ठीक है फिलहाल आपके लिए इतना काफी है ओके एंड देन वी हैव अनलिमिटेड कंपनीज अनलिमिटेड कंपनीज क्या होती हैं कंपनी जिनकी कोई लिमिट नहीं होती है लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि जब आप इनकॉर्पोरेशन पढ़ोगे इसके बाद तो आपको समझ में आएगा कि एक कंपनी तीन ही तरीके से बन सकती है सेक्शन थ्री में हम पढ़ते हैं कंपनी में बी फॉर्मड एज अ प्राइवेट कंपनी एज अ पब्लिक कंपनी और एज अ वन पर्सन कंपनी पब्लिक कंपनी बना सकते हो पर उसके लिए कम से कम सात लोग चाहिए प्राइवेट कंपनी बना सकते हो पर उसके लिए कम से कम दो लोग चाहिए और ओपीसी बना सकते हो जिसमें मिनिमम एक मैक्सिमम भी एक मतलब एक ही बंदे के साथ वो ओपीसी बनेगी तो ओपीसी कुछ नहीं एक तरीके की प्राइवेट कंपनी होती है पर उसमें कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं ठीक है तो वो यूनिक फीचर्स हम डिस्कवर करेंगे लेटर ऑन और हम ओपीसी के जो एग्जेमशन वगैरह भी होते हैं वो भी डिस्कवर करेंगे लेटर ऑन फिलहाल हम थोड़ा सा क्योंकि हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं हम प्रिलिमिनरी चैप्टर में वो सेक्शन टू uh, का पार्ट पढ़ रहे हैं सो वी विल स्टिक टू द डेफिनेशन राइट नाउ ठीक है चलो प्राइवेट कंपनी क्या होती है प्राइवेट कंपनी का मतलब एक कंपनी है मैम कंपनी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हुई है सबसे पहली बात हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब प्रिस्क्राइब के लिए मैंने आपको पहले ही समझाया भाई रूल्स में प्रिस्क्राइब होता है तो मतलब एमसीए प्रिस्क्राइब करती है क्या एमसीए ने कोई भी मिनिमम पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब किया है द आंसर इज नो नहीं किया है तो मतलब मैम प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं है कि कम से कम एक लाख से शुरू होगी कम से कम पचास हजार से शुरू होगी नहीं आप दस रुपये से कंपनी शुरू कर लो ठीक है अब दूसरी बात प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में तीन चीजें होती हैं एक रिस्ट्रिक्शन एक लिमिटेशन एक प्रोहिबिशन रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशन और प्रोहिबिशन अच्छा मुझे एक बात बताओ हम लोगों ने मिलके कंपनी बनाई मैंने आपने और एक और कोई यार दोस्त पकड़ लो हम तीनों लोगों ने मिलके कंपनी बनाई अब हम तीन लोग मिलके कौन सी कंपनी बना सकते हैं वी कैन नॉट फॉर्म अ पब्लिक कंपनी सो वी कैन डेफिनेटली फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी तो हम तीन लोगों ने मिलके क्या बनाई एक प्राइवेट कंपनी बनाई ठीक है अब आपको लगा कि अरे यार शिवांगी मैम का विजन अच्छा है शी इज मेच्योर्ड उनके पास एक्सपीरियंस है तो वो कुछ अच्छी चीज़ें लेके आ सकती है और हमारे पास नया खून है नया जोश है नया एस्पेक्ट है नई टेक्नोलॉजी और आइडियाज़ हैं तो हम वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और एक जो तीसरे इंसान को हम लोगों ने पकड़ा उसके पास बहुत पैसा था तो हमने क्या किया उसको बोला भाई तू पैसा लगा ठीक है तो हम लोगों ने इस तरीके से कुछ कुछ सोचा और हम तीन लोगों ने मिलकर अपनी कंपनी बनाई ऑफकोर्स कंपनी में हर एक बंदा अलग अलग कंट्रीब्यूट करता है है ना उसका उसका उतना उतना contribution जो होता है, वो share capital होता है है वो ना तो अभी हम shares और share capital के respect में बहुत ज़्यादा तो तो उतने उतने अलॉट हो जाते हैं अब हुआ क्या कुछ दिन बाद मुझे लगा, यार, मैंने गलत दाव लगा दिया एक काम करती हूँ मैं अपने शेयर्स किसी को भी बेच के मैं तो निकल लेती हूँ ठीक है अब आप बोर्ड मीटिंग कर रहे थे बोर्ड मीटिंग मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग मेंबर्स की नहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग पर इस प्राइवेट कंपनी में हम तीन मेंबर्स थे और हम तीन ही डायरेक्टर्स बने हुए थे अब अचानक से क्या हुआ अचानक से कोई और बंदा आ गया और उसने बोला मैं नया मेंबर हूं और इसलिए मुझे आप नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बना दो देखा आप नए मेंबर कैसे हो सकते हो हमारी इस कंपनी में सिर्फ तीन मेंबर है हम ये और शिवांगी मैम वो कहां गई उन्होंने मेरे को अपने शेयर्स बेच दिए अब आपको अच्छा लगेगा नहीं मैम ये तो आपने गड़बड़ कर दिया ये तो आपने गड़बड़ कर दिया अब दूसरा केस सोचो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है रिलायंस इंडस्ट्रीज में आज मैं शेयर होल्डर हूँ कल मैंने अपने शेयर्स बेच दिए कोई और शेयर होल्डर हुए क्या मुकेश अंबानी जी को बुरा लग हाय सगी मैम ने मेरे शेयर्स बेच दिए फर्क ही नहीं पड़ेगा पता भी नहीं चलेगा है ना तो प्राइवेट कंपनीज में क्या होता है ये जो ट्रांसफरेबिलिटी होती है ना ऑफ शेयर इतनी फ्री नहीं होती है ऐसे ही नहीं किसी को भी उठा के अपने आप शेयर्स दे दो के? नहीं और ऐसा भी नहीं है कि हम बेच ही नहीं सकते यार कभी भी मैं अपनी इन्वेस्टमेंट विद्रॉ नहीं कर सकती क्या ये कौन सी बात हुई नहीं आप कर सकते हो कंसेंट के साथ कर सकते हो तो उसमें अपने आर्टिकल्स वगैरह में हम रूल्स रेस्ट्रिक्शन वो डालते ठीक है कंडीशन डालते तो आप कंसेंट के साथ सब लोगों की सहमति के साथ विड्रॉ कर सकते हो उनकी सहमति के साथ नया मेंबर एड होगा तो यहां पे क्या है प्रोहिबिशन नहीं है ऐसा नहीं बोला कि नहीं कर सकते पर क्या है रिस्ट्रिक्शन है ठीक है तो रिस्ट्रिक्ट फिर से मैं ऊपर से पढ़ती हूं प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसमें मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल हो वो जो प्रिस्क्राइब है नथिंग हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड यू डोंट हैव टू राइट एनी एंड यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स जो अपने आर्टिकल्स में तीन काम करें रिस्ट्रिक्ट करे द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स लिमिट करें द नंबर ऑफ मेंबर्स टू टू हंड्रेड तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू होते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू हंड्रेड होते हैं अब आर्टिकल्स क्या होता है ये क्या है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दे आर फंडामेंटल incorporation document incorporation document which tells about internal regulations of a company internal regulations oblique rules of a company i'm sorry for writing such बैड हैंड राइटिंग ठीक है जो बच्चे मुझे जानते हैं ना बहुत अच्छे से उनको पता है मेरी राइटिंग इतनी गंदी नहीं है चलो खैर तो हमें पता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है एक रूल बुक होती है समझ लो कि कंपनी भाई कैसे चलेगी उसमें इंटरनली रूल्स लिखे होते हैं हर कंपनी के पास एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है जो कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट होता है जिसके बारे जो कंपनी के बारे में बताता है कि कंपनी का नाम क्या है कंपनी का एड्रेस कंपनी uh, की सिचुएशन क्या है कंपनी की लैबिलिटी मेंबर्स की कैसी होगी तो बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है वो हमारा चार्टर डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है और उसके साथ साथ एक डॉक्यूमेंट और होता है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है ठीक है तो हर प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रिस्ट्रिक्शन लगाएगी मतलब लिखेगी कि कंपनी रिस्ट्रिक्स द राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स ठीक है दूसरा लिमिट करेगी कि इस कंपनी में मैक्सिमम 200 लोग ही हो सकते हैं और तीसरा प्रोहिबिट करेगी मतलब किसी भी हालत में यू कैन नॉट इन्वाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी हमें लगता है यार प्राइवेट कंपनी छोटी कंपनी होती है फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ठीक है दो एपल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का कंसेप्ट मैं आपको थोड़ा सा और जब फॉरन कंपनी बताऊंगी ना तो बताऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा बट फिलहाल ये सारी क्या है प्राइवेट कंपनीज बनी है बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज प्राइवेट कंपनीज होती हैं तो प्राइवेट कंपनी छोटी होती है ऐसा नहीं है हाँ प्राइवेट कंपनी में क्या है चार बड़े दिग्गज प्लेयर जुड़ गए और वो चला रहे हैं कंपनी खूब मस्त चला रहे हैं उनको लोगों के पैसे की जरूरत है हमारे पास खुद इतना पैसा है कहाँ लिमिट लगाई हुई है कि पैसा आप इतने इससे ज्यादा नहीं लगा सकते लगाते जाओ पैसा हाँ जनता के पास आप नहीं जा सकते हो जो आईपीओ सुनते हो ना आजकल आप पब्लिक ऑफर आए अरे यार इस कंपनी का आईपीओ आया है आईपीओ का मतलब क्या है वो कंपनी पब्लिक ही होगी क्योंकि वो कंपनी क्या कर रही है आपको पब्लिक ऑफर दे रही है कि आप पैसा लो और उनकी कोई सिक्योरिटी खरीदो शेयर्स खरीदो डिबेंचर्स खरीदो जो भी खरीदो ठीक है तो प्राइवेट कंपनी में तो कंप्लीट प्रोहिबिशन होता है ठीक है अब देखो आई हैव टू मूव ऑन तो हो सकता है आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे हो आप बस पढ़ते जाओ आपके सवाल सारे के सारे ना धीरे धीरे दूर हो जाएंगे पूरा कोर्स आप कंपनी लॉ का पढ़ लोगे तो हर चीज मैं अभी अभी नहीं बता सकती ठीक है चलो ना अब छोटी सी बात एक्सेप्टिंग केस ऑफ वन पर्सन कंपनी क्यों लिखा है क्योंकि वन पर्सन कंपनी में तो एक ही इंसान होता है ना प्राइवेट वन पर्सन कंपनी इज अ टाइप ऑफ ओपीसी सॉरी ओपीसी टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी मैंने आपको पहले ही बताया तो उसमें तो एक ही बंदा होता है बाकी में 200 तक हो सकते हैं अब इसमें दो लोग ना इंक्लूड नहीं होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ टू कौन से दो लोग इंक्लूड नहीं होते हैं पहले जो आपके इंप्लॉइज हैं कभी कभी क्या होता है जो हमारे इंप्लॉयज होते हैं ना उनको हम इंप्लॉयज के तहत स्कीम्स के तहत शेयर देते हैं ठीक है अब मेरी एक प्राइवेट कंपनी है मेरी प्राइवेट कंपनी में ऑलरेडी मान लेते हैं कि वन सिक्सटी शेयर होल्डर्स है अब मैंने अपनी कंपनी में पचास इंप्लॉई लगा रखे हैं तो इनको मैं शेयर्स देना चाहती हूँ क्योंकि अगर इनके पास भी हमारी कंपनी के शेयर्स होंगे ना तो इनको लगेगा कि यार ये शेयर ग्रो करेंगे तो हमारी पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी तो ग्रो करेगी हमारे पास भी पैसा आएगा तो ये और जी जान लगाएंगे है ना तो अगर मैं इनको भी शेयर दे देती हूं तो टोटल शेयर होल्डर्स हमारे पास दो सौ दस हो जाएंगे जो कॉन्ट्रोवेंशन हो जाएगा है ना पर यहां पे बोला गया कि ठीक है हर प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में रिस्ट्रिक्शन होता है कि इट लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू टू हंड्रेड पर प्रोवाइडेड फर्दर दैट पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंस तो जो कंपनी के इम्प्लॉइज हैं, उनको हम इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए नंबर ऑफ मेंबर्स में काउंट नहीं करेंगे इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए मैम मतलब मतलब आप इतना समझो कि उनको भी डिविडेंट मिलेगा उनको भी वोटिंग का अधिकार मिलेगा सब मिलेगा दे विल बी एज गुड एज मेंबर्स जो अलग अदरवाइज थे पर उनको इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए हम काउंट नहीं करेंगे सो दे विल नॉट बी काउंटेड फॉर दिस ठीक है चलो अब ऐसा भी हो सकता है कि आप इंप्लॉय थे आपने शेयर्स खरीदे आपने शेयर्स लिए उस कंपनी के आपको मिले और उसके बाद क्या हो गया आप वो कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में चलेगा बड़ा तेज स्विच होता है ना अब आप दूसरी कंपनी में चलेगा तो अब क्या आपको काउंट किया जाएगा नहीं नहीं बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा सो हु आर इन द इंप्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एंड पर्सन बीन फॉर्मरली इन जो पहले इंप्लॉयमेंट में रहे हैं ठीक है मतलब, ये शेयर मिले थे तब आप इंप्लॉयमेंट में थे अब आपने इंप्लॉयमेंट छोड़ दिया है पर उस शेयर को नहीं छोड़ा है अभी भी आप शेयर होल्डर हो तो अभी भी आपको उस दो सौ की लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा ठीक है ठीक है नाउ अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं छोटा सा सवाल क्या पूछूं कि कंपनी में अच्छा चलो क्विकली पूछती हूं एक कंपनी है एक कंपनी है कंपनी का नाम क्या है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड क्योंकि प्राइवेट कंपनीज के आगे सफिक्स लगता है प्राइवेट लिमिटेड अब ए बी सी प्राइवेट लिमिटेड है इसमें वन फिफ्टी में वन फिफ्टी में क्या सिक्सटी इम्प्लॉय को शेयर्स कैन बी इशूड एग्जाम्पल लिख के फट से ये लिख दो द आंसर इज यस यस इट विल नॉट अमाउंट टू कॉन्ट्रीवेंशन इट विल नॉट अमाउंट टू contravention as as 60 employees are excluded from the limit of 200 as given under section 2 clause 68 private 68 take up up um supposedly supposedly 52 employees out of these leave the company and join another company. कंपनी दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं तो अब इनका क्या करेंगे Will your answer change? Will your answer change? The answer is no. Our answer will not change. Why not No. Because employee and former employees both are not counted in the limit of two hundred. In the limit of two hundred. ठीक है अब एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे और आता है छोटा सा पॉइंट और क्या आता है वो ये आता है कि हम जॉइंट होल्डर्स को एक काउंट करते हैं जैसे अगर कल को आपकी शादी ब्याह होगा उसके बाद स्टार्टिंग में क्या होता है साल दो साल तीन साल चार साल पांच साल जो भी समझ लो बड़ा प्यार मोहब्बत भरा रहता है हम सब काम साथ साथ करेंगे तो आप कंपनी के शेयर्स भी खरीदने गए साथ साथ एक प्राइवेट कंपनी थी जिसमें 199 शेयर होल्डर्स थे ठीक है और आपको भी शेयर होल्डर बनना था आपने कहा हम आपकी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं उन्होंने कहा हम किसी एक को ही शेयर होल्डर बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास 200 की लिमिट है इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते आपने कहा नहीं नहीं हम तो शेयर खरीदेंगे पर हम जॉइंट नेम में खरीदेंगे हम दोनों का नाम होना चाहिए तो क्या आप दोनों अगर उसमें ऐड हो गया ज्वाइंट होल्डर्स तो क्या दो शेयर होल्डर हो जाएंगे तो आंसर दो ज्वाइंट होल्डर्स विल बी काउंट एज वन ओनली जैसे अगर बैंक में आप खाता खुलवाने जाते हो तो बैंक में अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हो खाता तो एक ही हुआ ना है ना खाता तो एक ही हुआ ना भले ही उसका बेनिफिट दो लोगों को मिल रहा है तो वैसे ही शेयर शेयर होल्डर वहां पर उनके हिसाब से एक ही हुआ भले ही हम दो लोगों में वो चीज पास ऑन कर रहे हैं ठीक है थीके? तो ज्वाइंट होल्डर्स विल बी काउंटेड एज वन ओके

ना मूविंग टू वन पर्सन कंपनी वन पर्सन कंपनी सेक्शन टू क्लॉसटी टू इसमें कुछ भी डेफिनेशन फिलहाल यहाँ पे नहीं है क्यों क्योंकि डेफिनेशन में हमें सिर्फ इतना ही मिलता है कि एक कंपनी जिसमें सिर्फ वन पर्सन है एज अ दैट इज गोइंग टू बी अ वन पर्सन कंपनी सो इट इज बेसिकली अ प्राइवेट कंपनी जिसमें कुछ यूनिक फीचर्स हैं यूनिक फीचर्स हम लेटर ऑन पढ़ेंगे एक बंदा ही काम करता है ये बेसिकली कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था छोटे छोटे के लिए जैसे proprietorship चला रहे हैं भाई बेचारे दबे जा रहे हैं बोझ तले लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है उनके पास तो बड़ा उनको नुकसान हो रहा है तो ये लिमिटेड लाइबिलिटी कॉरपोरेट एग्जिस्टेंस के साथ आप आओ कंपनी बनाओ तो वन पर्सन कंपनी का ये कंसेप्ट उनके लिए लेके आया गया था ठीक है अब इसमें बहुत सारी चीजों को एड ऑन किया गया जैसे नॉमिनी तो इसमें एक नॉमिनी का कंसेप्ट आता है इसमें एक कंसेप्ट आता है कि जो वन परसन कंपनी है भाई वो क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है मतलब मैम कौन बना सकता है कौन नहीं बना सकता है तो यूजुअली हमने देखा है जब आप प्राइवेट कंपनी की बात करते हो या फिर आप पब्लिक कंपनी की बात करते हो मैं फिर से आपको ना थोड़ा सा कुछ लिखा रही हूँ प्लीज़ राइट दिस विद मी सो दैट यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग है ना चलो तो एक वही होती है हमारी कंपनी कंपनी में हु टेक्स डिसीजंस कौन कंपनी के फैसले लेता है हमें लगता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं दे आर इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स बाय शेयर होल्डर्स ठीक है अब ये शेयर होल्डर्स या मेंबर्स हम बोले ठीक है मेंबर्स एंड आई वुड ऑल्सो से दैट सम्स समशंस आर ऑल्सो taken by shareholders. होल्डर्स Act एक्ट बताती है कि भाई देखो रोज के जो डिसीजन है वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर दे रखी है आप ले लो पर कुछ चीजें आपको क्या करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स से पूछ के ही करनी पड़ेगी तो शेयर होल्डर्स वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है उन्होंने इलेक्ट किए हैं कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स जो उनके बिहाफ पे कंपनी को चला रहे हैं वो अपने आप को भी इलेक्ट कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि हमें खुद ही इस कंपनी का डायरेक्टर बनना है और हम खुद ही इस कंपनी को चलाएंगे तो वो खुद भी चला सकते हैं ठीक है तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक इन्वेस्टर हो मतलब आपने पैसा लगा दिया है और कंपनी चला कोई और रहा है ऐसा भी हो सकता है कि आपने पैसा लगाया और आप खुद कंपनी को चलाना चाहते हो ऑफ़ कोर्स अब ऐसा मैं नहीं कर सकती कि मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज में पैसा लगाया और मैं बोलूं मैं कंपनी को चलाना चाहती हूँ उसका एक प्रोसीजर है इनफैक्ट देर इज अ सेक्शन 116 इन कंपनीज एक्ट वेर यू कैन प्रपोज योर कैंडिडेटर एज अ डायरेक्टर तो वो चीजें वो प्रोसेस अलग है वो भी कंपनीज एक्ट में दिया है बट फिलहाल हमें पढ़ना नहीं है तो ये कौन होते हैं हु इन्वेस्ट हु इन्वेस्ट या फिर मेंबर्स हम कह सकते हैं अब ये कौन हो सकते हैं यहाँ पे ये चीज थी जो मैं आपको एक्चुअली बताना चाह रही थी ये कौन हो सकते हैं एक कंपनी बनने वाली है इसका मेंबर कौन हो सकता है उससे पहले उससे पहले एक टाइमलाइन लाइन यहां पर बस इतनी सी जगह छोड़ के आप ये टाइमलाइन बनाओ ठीक है यहां पे जाके हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई जब कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होती है इसके पहले का जो फेज होता है उसमें जो प्रपोज मेंबर्स होते हैं प्रपोज मेंबर्स उनको हम क्या बोलते हैं सब्सक्राइबर्स क्यों क्योंकि उन्होंने सब्सक्राइब किया होता है उन्होंने साइन किया होता है कि हाँ हम कंपनी के मेंबर्स बनने को तैयार हैं हाँ हम कंपनी के फर्स्ट मेंबर्स बनने वाले हैं हम कंपनी में इतना पैसा लगाएंगे जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई अब हम उनको क्या कहते हैं मेंबर। उसके बाद क्या होता है उसके बाद होते हैं शेयर्स इशू शेयर्स इशू किए जाते हैं तो उसके बाद वो क्या बन जाते हैं शेयर होल्डर उसके बाद वो क्या बन जाते हैं शेयर होल्डर उसके बाद मान लेते हैं वाइंडिंग अप हो गई मतलब अब कंपनी पता चला कि काम वाम नहीं करने वाली इसके एसेट्स को बेचो लाइबिलिटीज को पे ऑफ करो तो उसके बाद वो क्या बन जाते हैं कंट्रीब्यूटरी हम उनको कहते हैं कंट्रीब्यूटरी ठीक है तो ये जो प्रपोज हैं जो पहले सब्सक्राइबर कहलाए फिर मेंबर कहलाए इनको शेयर्स इशू हो गए तो ये शेयर होल्डर कहलाए और कंपनी बंद होने को आ गई तो ये कंट्रीब्यूटरी कहलाए ये कौन हो सकते हैं क्या ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल हो सकते हैं या फिर दे कैन बी सम बॉडी कॉरपोरेट ऑल्सो मतलब ये कोई कंपनी भी हो सकती है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कैन बी अ मेंबर ऑफ एनअर रिलायंस कंपनी हाँ मैम ये भी हो सकते हैं ये भी हो सकते हैं पर नहीं हो सकता है एक्सेप्ट इन सेक्शन एट कंपनी बस ये लिख लेना समझाऊंगी बाद में कांट बी इन केस ऑफ ओ पी सी वन पर्सन कंपनी प्रोपराइटर्स इंडिविजुअल्स के लिए है वन पर्सन कंपनी कंपनी के लिए नहीं है वो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए है वन पर्सन कंपनी के केस में सिर्फ एक नेचुरल पर्सन एक आर्टिफिशियल पर्सन नहीं सिर्फ और सिर्फ एक नेचुरल पर्सन क्या हो सकता है कंपनी बना सकता है ठीक है सो ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इंडियन सिटीजन वेदर रेसिडेंट और नॉट यहां लिखा नहीं है मैम आप कहाँ से पढ़ा रहे हो अभी हम धीरे 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 डिस्कवर करेंगे तीन चीज मैंने बताई है नेचुरल पर्सन नेचुरल पर्सन होना जरूरी है इंडियन सिटीजन होना जरूरी है सिटीजनशिप एक्ट में आपको इंडियन सिटीजन सिटीजनशिप मिलती है एंड तीसरा वेदर रेसिडेंट और नॉट मतलब आप इंडिया में रहें या ना रहें पिछले साल आप इंडिया में रहे हैं या नहीं रहे हैं आपको रेजिडेंट माना जा रहा है या नॉन रेजिडेंट माना जा रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है पहले फर्क पड़ता था आफ्टर दिस अमेंडमेंट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ये तीन चीजें अगर हम मीट आउट करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं एक वन पर्सन कंपनी बना सकते हैं इसमें बहुत सारे बनाने के फायदे एग्जेंशन बेनिफिट्स भी मिलते हैं ठीक है वी विल रीड अबाउट दीज यूनिक फीचर्स लेटर ओके चलो पब्लिक कंपनी सेक्शन टू क्लॉज सेवेंटी वन पब्लिक कंपनी क्या होती है जो प्राइवेट नहीं होती है हाय इससे प्यारी डेफिनेशन क्या हो सकती है है ना नाउ प्राइवेट कंपनी नहीं होती है एंड मिनिमम पेड अप कैपिटल एज प्रिस्क्राइब नथिंग हैज बीन प्रिस्क्राइबड तो ये डेफिनेशन क्या आपको लगता है एग्जाम में कभी पूछी जाएगी नहीं मैम इजी चीजें थोड़ा पूछी जाती हैं पर 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 एक छोटा सा ट्विस्ट यहां पे आता है क्या ट्विस्ट आता है मैम कुछ है डीम्ड सब्सिडियरी का कंसेप्ट अरे रे मैम जब हमें यही नहीं पता है तो हम डीम्ड सब्सिडियरी कैसे पढ़ेंगे तो पहले चलते हैं और समझते हैं कि भाई सब्सिडियरी क्या होती है है ना पहले समझते हैं कि सब्सिडियरी क्या होती है होल्डिंग क्या होती है तो उसके लिए हमें अलग क्लासिफिकेशन पे जाना पड़ेगा हमने अभी कौन सा क्लासिफिकेशन पढ़े थे सबसे पहले हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन फिर ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी फिर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स फिर ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल ठीक है तो अब कंट्रोल के बेसिस पे हम क्या पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ठीक मैम कंट्रोल के बेसिस पे तीन तरीके की हमारी कंपनीज हो सकती हैं होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी एसोसिएट कंपनी ये तीनों के तीनों रिलेटिव कॉन्सेप्ट है अरे रे, रे मैम ये क्या बोला आपने रिलेटिव का मतलब तो पता ही होगा आपको रिश्तेदार है ना अब कोई चाचा बनेगा तो कोई भतीजा बनेगा कोई माँ बनेगा तो कोई बेटा बनेगा है ना इफ आई से आई एम अ मदर तो मैं किसकी मम्मी हूँ सबकी इफ आई से आई एम अ वाइफ ये तो बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा है ना तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना तो ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है इफ आई एम अ मदर आई एम अ मदर टू माई चाइल्ड सो इफ इज़ होल्डिंग होल्डिंग इज अ होल्डिंग टू इट्स सब्सिडियरी ठीक है मतलब एक कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट को कंट्रोल कर रही है तो ये जो कंट्रोल कर रही है ना ये जो कंट्रोल कर रही है ये होल्डिंग है और ये जो कंट्रोल हो रही है ये क्या है 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 ठीक ये कंट्रोल कर रही है ये कंट्रोल हो रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आई थिंक इट 160 170 पता नहीं कितनी सब्सिडियरीज है इतनी कंपनीज को ये कंट्रोल कर रही हैं कैसे कंट्रोल करते हैं मैम दो तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो ठीक है वैसे तो कंट्रोल को यहां पर डिफाइन किया गया है नॉट सो इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट कंट्रोल इट shall इंक्लूड द राइट टू अपॉइंट majority ऑफ डायरेक्टर्स और टू कंट्रोल द मैनेजमेंट या पॉलिसी decisions अकेले या किसी के साथ मिलके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस वजह से क्योंकि आपके पास बहुत अच्छी शेयर होल्डिंग है या फिर आपको मैनेजमेंट का अधिकार है मतलब आप कुछ डायरेक्टर वगैरह ऐसे हो या कुछ भी हो या फिर आपने कोई अग्रीमेंट कर रखा है या इन एनी अदर मैनर ठीक है उतनी जरूरी नहीं है इसलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ बाकी पार्ट्स पार्ट्स में तोड़ के मैंने आपको बता दिया है हम होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन से पहले पढ़ेंगे सब्सिडियरी कंपनी की डेफिनेशन बिकॉज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन पब्लिक कंपनी की तरह है विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी वो क्या हो जाती है एक पब्लिक कंपनी हो जाती है बट सब्सिडियर कंपनी हमें पढ़ने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है अब सब्सिडियरी कंपनी क्या होती है पढ़ते इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी मतलब मैंने आपको पहले ही बताया ये क्या है एक रिलेटिव कंसेप्ट है तो ये स्टैंड लोन नहीं होगा इन रिलेशन टू सम अदर कंपनी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं दैट इज टू से होल्डिंग कंपनी सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टू कंपनीज ठीक है मैं यहाँ पे इजी रेफरेंस के लिए एक एग्जाम्पल ले रही हूं एच लिमिटेड और एक हो गया एस लिमिटेड ठीक है एच लिमिटेड और एस लिमिटेड ये दो कंपनीज हैं मार्क माई वर्ड्स जब हम बात कर रहे हैं होल्डिंग सब्सिडियरी और एसोसिएट की तो सबके आगे कंपनी लगा हुआ है ये सबके सब बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल मतलब मैं मैंने और आपने मिलकर एक प्राइवेट कंपनी बनाई तो हम होल्डिंग हो गए और वो प्राइवेट कंपनी सब्सिडियरी हो गई है ऐसा नहीं होता है ठीक है क्योंकि 50 परसेंट शेयर्स आपके पास या चलो 60 परसेंट मेरे पास 40 परसेंट आपके पास तो मैं होल्डिंग हूं और वो कंपनी सब्सिडियरी है नहीं नहीं, नहीं 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 ये नहीं होगा ठीक है होल्डिंग विल ऑलवेज बी अ कंपनी सब्सिडरी विल ऑलवेज बी अ कंपनी ठीक है और इनफैक्ट uh, थोड़ी सी ब्रॉड कंसेप्ट अगर हम आते हैं तो बॉडी कॉरपोरेट का रेफरेंस है बट फिलहाल एक एक वन स्टेप एट अ टाइम है ना तो, दो कंपनीज को यहां पे हमने लिया है एच लिमिटेड और एस लिमिटेड मैं बोल रही हूं एच लिमिटेड आप या तो ये कर रहे हो या फिर आप ये कर रहे हो इन दोनों में से अगर कुछ भी आप कर रहे हो ठीक है इफ एनी वन सेटिस्फाइड देन एच लिमिटेड आप क्या हो होल्डिंग कंपनी कहलाओगे। इन रिलेशन टू एस लिमिटेड मतलब यू विल बी कॉल्ड एज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ एस लिमिटेड मतलब एस लिमिटेड आप क्या कहलाओगे सब्सिडियरी कंपनी कहलाओगे मतलब एच और एस लिमिटेड आपके बीच में होल्डिंग सब्सिडियरी की रिलेशनशिप होगी कौन सी दो चीजें हैं जिसमें से एक भी अगर पूरी हुई तो ऐसा होगा इफ यू कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब आप एक कंपनी हो आपके हिसाब से दूसरी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पैनल बन रहा है मतलब आप डिसाइड कर रहे हो कि उसमें कौन डायरेक्टर होना चाहिए कौन डायरेक्टर नहीं होना चाहिए अब इवेंचुअली किसके पास ये पावर जाएगी या तो हमने किसी के साथ एग्रीमेंट किया और हमने बोला है कि नहीं तुम ही हमेशा फैसला करोगे कि इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे हमने किसी एक कंपनी के साथ कुछ एग्रीमेंट कर लिया है ठीक है ना या ऐसा भी हो सकता है कि वो कंपनी ने हमें बहुत सारा पैसा दिया इसलिए हमने उनको ये पावर दी है तो मतलब क्या है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये कंपनी एस लिमिटेड इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो इस कंपनी को चला रहे हैं उनको कंट्रोल कर रही है एच लिमिटेड तो इनडायरेक्टली आप इस कंपनी को कंट्रोल कर रहे हो ना इसके सारे फैसलों को कंट्रोल कर रहे हो तो आप होल्डिंग हो गए वो सब्सिडियरी हो गई दूसरी चीज या फिर एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ मोर देन वन हाफ दैट मीन मोर देन फिफ्टी परसेंट मतलब 50.0001% परसेंट भी है तो ये भी मोर देन 50 परसेंट हो गया ऑफ वोटिंग पावर आप होल्ड कर रहे हो वोटिंग पावर क्या होती है मैम व्हाट डू यू मीन बाय वोटिंग पावर यहां पे लिखो वोटिंग पावर ऐसा कंसेप्ट लिखो वोटिंग पावर Take care. One shareholder is got out. One share is equal to one vote. General concept. Therefore, shareholding will be same. As voting power and vice versa, and vice versa. However, in certain cases, one share may have different votes. Example वन शेयर इज इक्वल टू टेन वोट्स इन केस सच डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स जिसको हम प्यार से बुलाते हैं डी वी आर शेयर्स आर इशूड इन दिस केस वोटिंग पावर शैल बी डिफरेंट फ्रॉम शेयर होल्डिंग अभी देखो ऑब्वियसली हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं है तो हम इसको फिलहाल इतना डिटेल में नहीं पढ़े आगे जाके हमको पढ़ना ही है बट फिलहाल मैंने आपको क्या लिखवाया है और क्या समझाया है कि यूजअली क्या होता है मेरे पास चार शेयर हैं तो मेरे पास चार वोट्स हैं मतलब अगर कंपनी ने सौ शेयर इशू किए हैं तो मैं चार परसेंट वोटिंग पावर होल्ड कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास चार शेयर्स हैं तो मेरे पास चार वोट्स हैं आउट ऑफ हंड्रेड वोट्स विच द कंपनी हैज चार वोट्स मेरे पास है चार वोट करने का अधिकार मेरे पास है सो आई हैव फोर परसेंट वोटिंग पावर कभी कभी ये वोटिंग पावर और शेयर होल्डिंग अलग अलग होती है अगर डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर्स इशू होते हैं तो जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे ठीक है तो फिलहाल व्हेन वी कम बैक अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के मोर देन फिफ्टी परसेंट वोटिंग पावर होल्ड कर रही है तो वो क्या हो जाएगी होल्डिंग हो जाएगी और दूसरी वाली सब्सिडियरी हो जाएगी मतलब मैम एग्जाम्पल इफ एच लिमिटेड हैज सिक्सटी परसेंट शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड एच लिमिटेड इज होल्डिंग ऑफ एस एंड एस लिमिटेड इज of ऑफ एच हाँ या ना ठीक है राइट right. कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ठीक है तो पहला क्या हो गया भाई आप कंट्रोल करो कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो भी आप होल्डिंग सब्सिडरी की रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लेते हो दूसरा अगर आपके पास शेयर होल्डिंग हो कितनी मोर देन फिफ्टी परसेंट वोटिंग पावर हो मोर देन फिफ्टी परसेंट तो भी आप क्या कर लेते हो दूसरे को अपनी सब्सिडरी बना लेते हो और खुद आप होल्डिंग बन जाते हो इसके अलावा एक तीसरा केस आता है एक तीसरा केस क्या आता है एक एग्जाम्पल लिखना ए लिमिटेड Holds thirty per cent shares in B Limited. Okay, A Limited holds fifty two per cent shares in C Limited. C Limited holds twenty seven per cent shares in बी लिमिटेड भाव बार ये पूरा लूप बना दिया है ना मैंने अच्छा अब सिर्फ हम इतना देखते और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पे हमारे पास तीन कंपनीज हैं इन पिक्चर एक कंपनी दो कंपनी और तीन कंपनी क्या किसी भी कंपनी के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी की रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रही है द आंसर इज येस किस किस कंपनी के बीच में मैम ए और सी के बीच में ए और सी क्योंकि ए क्या कर रहा है फिफ्टी टू परसेंट शेयर्स होल्ड कर रहा है मतलब मोर देन फिफ्टी परसेंट वोटिंग पावर है आपके पास वी विल कंसिडर शेयर होल्डिंग एज गुड एज वोटिंग पावर इन केस ऑफ एनी इन केस ऑफ मिसिंग इन्फॉर्मेशन ठीक है हमको इसके बाद इंफॉर्मेशन नहीं दी हमको सिर्फ इतना दिया है. तो शेयर होल्डिंग इज एज गुड एज वोटिंग पावर तो फिफ्टी टू परसेंट शेयर मतलब फिफ्टी टू परसेंट वोटिंग पावर मतलब मोर देन फिफ्टी परसेंट वोटिंग पावर एक कंपनी की दूसरी कंपनी के ऊपर है तो आप दोनों में क्या है एंड सी के बीच में क्या है होल्डिंग एंड सब्सिडियरी का रिलेशनशिप तो है ठीक है अब अब आते हैं हम दूसरी वाली बात पे यहां पे पढ़ो एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर ईदर एट इट्स ओन ईदर एट इट्स ओन और टूगेदर विद वन और मोर ऑफ इट सब्सिडियरी कंपनीज मतलब मैम या तो आप खुद मोर फिफ्टी परसेंट वोटिंग एक्सरसाइज करो ठीक है जैसे आप इस केस में कर रहे हो ठीक है या फिर आप अपनी किसी सब्सिडियरी के साथ मिलके दूसरी कंपनी के मोर देन फिफ्टी परसेंट वोटिंग पावर एक्सरसाइज कर ले रहे हो तो भी चलेगा जैसे मैं कंट्रोल कर रही हूं किसी को वो कंट्रोल कर रहा है किसी और को तो इनडायरेक्टली मैं उसको कंट्रोल करा सकती हूँ कि नहीं करा सकती हूँ आप समझ रहे हो मैं इसमें एक एग्जाम्पल देती हूँ um, बच्चन है हमारे पास अमिताभ बच्चन है तो हम फैमिली का वो पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ पाते हैं होल्डिंग बट है सो विल कट इट शॉर्ट है ना एकदम एग्जाम ओरिएंटेड फोकस रखने के हम क्या कर रहे हैं यहां पे पढ़ाई कर रहे हैं तो अब मेरे बच्चों बात सुनो ये है बी लिमिटेड ठीक है ए लिमिटेड आप इसमें सिर्फ थर्टी परसेंट वोटिंग पावर एक्सरसाइज कर रहे हो मतलब आप इसको अपनी सब्सिडरी नहीं बना सकते हो पर आपकी जो सब्सिडियरी है सी लिमिटेड वो भी इसमें 27% सेवन परसेंट शेयर्स एक्सरसाइज कर रही है मतलब 27% सेवन परसेंट वोटिंग पावर एक्सरसाइज कर रही है तो इज वोटिंग पावर कितनी 30% प्लस इज सब्सिडियरी वोटिंग पावर वोटिंग पावर मतलब सीज वोटिंग पावर वो कितनी ट्वेंटी सेवन परसेंट एज वोटिंग पावर इन बी ए सब्सिडरी वोटिंग पावर इन बी तो थर्टी परसेंट प्लस ट्वेंटी सेवन परसेंट जो फिफ्टी सेवन परसेंट आ गई तो मतलब ए आप अपनी सब्सिडियरी के साथ मिलकर बी में फोर्टी फिफ्टी सेवन परसेंट वोटिंग पावर एक्सरसाइज कर रहे हो तो आई कैन कंक्लूड ए और बी के बीच में भी होल्डिंग एंड सब्सिडियरी का रिलेशनशिप है ठीक है ओके फाइन देखो यार सब्सिडरीज uh, हम एक्वायर करते हैं एक मोनोपली क्रिएट करने के लिए जैसे कॉर्पोरेट ग्रुप क्रिएट करने के लिए जैसे रिलायंस ने किया हुआ है वो हर सेगमेंट में इंक्लूड हो रहे हैं हर सेगमेंट में घुस रहे हैं है ना और उन्होंने क्या किया अपना एक पूरा ग्रुप बनाया हुआ है तो वो वहीं से पैसा आ रहा है या है उसमें से जगह 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 उन्होंने पैसा लगाया है ठीक है और अलग अलग सेगमेंट से वो क्या कर रहे हैं कमा रहे हैं ठीक है अब इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट और आता है वो क्या आता है प्रोवाइडेड दैट सच क्लास ऑफ क्लास ऑफ होल्डिंग कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब शेल हैव लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज बियॉन्ड सच नंबर्स एज प्रिस्क्राइब्ड शेल नॉट हैव लेयर्स ए लिमिटेड होल्ड्स सिक्सटी परसेंट शेयर्स इन बी लिमिटेड बी लिमिटेड होल्ड्स सिक्सटी परसेंट शेयर्स इन C लिमिटेड C लिमिटेड होल्ड सिक्सटी फाइव परसेंट शेयर्स इन लिख रहे हो कि नहीं इसीलिए वो जो एक कॉपी बनवाई है आपसे जो बोला है ना कि आपके पास दो कॉपी होनी चाहिए एक कॉपी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप क्लास नोट्स लिखोगे और दूसरी कॉपी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप हर दिन एक आंसर प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिस कॉपी तो जो क्लास नोट्स वाली है वो खोल के बैठनी और वो मेरे साथ साथ लिखना है ठीक है चल, अब यहां पे हम बोलते हैं ए लिमिटेड होल्ड सेवेंटी परसेंट शेयर्स इन ई लिमिटेड ठीक है एंड इट ऑल्सो होल्ड एटी परसेंट शेयर्स इन एक्स लिमिटेड ठीक है ऐसे ऐसे भी है हमारे पास अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो ये हुई ये हुई लेयर वन सब्सिडियरी लेयर वन सब्सिडियरी मतलब इन रिलेशन टू दिस होल्डिंग कंपनी जिसके रेस्प्रेजेंस में हम बात कर रहे हैं आप क्या हो लेयर वन सब्सिडियरी हो मतलब आप डायरेक्टली वोटिंग पार होल्ड कर रहे हो ये क्या है लेयर वन सब्सिडियरी है अब बी लिमिटेड यू मतलब आपकी सब्सिडियरी ने एक और अपने अंदर सब्सिडियरी बना ली है सी लिमिटेड तो ये हो गई लेयर टू सब्सिडियरी और ये हो गई लेयर थ्री सब्सिडियरी ठीक है लेयर वन अलाउड है लेयर टू अलाउड है लेयर थ्री अलाउड ही नहीं है क्यों क्योंकि भाई ए लिमिटेड का पैसा था पहले आपने अपना पैसा इसमें डाला इसने अपना पैसा इसमें डाल दिया इसने अपना पैसा इसमें डाल दिया बड़ा दूर होता जा रहा है सोर्स तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है बोला है कि जो होल्डिंग कंपनीज होंगी शेल नॉट हैव लेयर्स ऑफ़ सच नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड और प्रिस्क्राइब चीज़ें क्या है नो कंपनी शल हैव मोर देन टू लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज तो किसी भी कंपनी में दो लेयर ऑफ सब्सिडरी ही अलाउड है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती इस है इसमें चार एक्सेप्शन्स हैं मतलब बैंकिंग कंपनी आपके ऊपर ये रूल नहीं लगता आपके आपकी कितनी भी लेयर ऑफ सब्सिडरीज हो सकती हैं एनबीएफसी आपके ऊपर ये रूल नहीं लगता इंश्योरेंस कंपनी आपके ऊपर ये रूल नहीं लगता और गवर्नमेंट कंपनी आपके ऊपर भी ये रूल नहीं लगता है तो इनके ऊपर ये रूल नहीं लगता है अदरवाइज यू मे हैव एज मेनी लेयर ऑफ लेरीज एज यू मतलब बाकी सब पे क्या होगा दो ही लेयर ऑफ सब्सिडरीज अलाउड है इन लोगों के लिए क्या है एज मेनी लेयर ऑफ एज यू ठीक है तो सब्सिडरी कंपनी का कंसेप्ट समझ में आया अब होल्डिंग क्या है in relation to one or more companies it means a company of which such company or subsidiary company to तो jiski subsidiary hai wo holding hai theek hai khatam baat okay <clears throat> अब यहाँ पे company actually body corporate को हम कहते हैं body corporate को हम क्यों कहते हैं बताती हूँ चलो आज बता ही देती हूँ एक कंपनी है एप्पल आईएनसी मैम ना तो एप्पल प्राइवेट लिमिटेड ना तो एप्पल लिमिटेड एप्पल आईएनसी ये क्या है भाई जैसे हमारे यहाँ सफिक्स होता है वैसे ही और लॉज क्या ऐसे ही बैठे हुए और कंट्री के लॉज एकदम चुपचाप बैठेंगे कुछ तो वो भी लगाते हैं ना तो वो ना वहाँ का सफिक्स है एप्पल आई एन सी क्या इंडियन कंपनी है नहीं मैम इंडियन कंपनी तो नहीं है अब एप्पल आई आई है इंडिया में काम कर रही है हाँ मैम अगल बगल देखो दो चार प्रोडक्ट आपको दिख जाएंगे है ना तो किया क्या जाये? क्या जाए इसको हम कंपनी बोल सकते हैं नहीं नहीं मैम इसको आप कंपनी बोल सकती क्यों बिकॉज इट इज नॉट रजिस्टर्ड नॉट इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 तो ये क्या कहलाए इसको हम क्या कहें इसको हम नॉर्मली एक बॉडी कॉरपोरेट कह देते हैं बॉडी कॉरपोरेट नॉट अ कंपनी बिकॉज नॉट इनकॉर्पोरेटेड नॉट इनकॉरपोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट

ये क्या है हमारी कंपनी इनकॉरपोरेटेड आउटसाइड इंडिया इंडिया के बाहर बनी हुई एक कंपनी अगर आप इंडिया के बाहर बनती और इंडिया के बाहर काम करती सानू की फर्क पहना है है ना हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था आपको जो करना है करो आप लोगों को लूटो तो लूटो हम थोड़ी ना लूट रहे हैं है ना हमारे देश में तो सब बढ़िया है पर आपको तो अपना मार्केट एक्सपैंड करना था यू वॉन्टेड टू कम टू इंडिया इंडिया में आपको पता है बहुत सारे लोग हैं ऐसे ही शो ऑफ के पीछे भागते हैं तो जगह जगह आप पर ले लेते हैं है ना तो आपको पता है इंडिया में बहुत लोगों के पास बहुत पैसा है और बहुत खर्च करने को तैयार होंगे तो एप्पल के प्रोडक्ट्स इंडिया में क्यों ना लाए जाएं तो आप लेके आए कैसे लेके आओगे या तो आप एजेंट को अपॉइंट कर दोगे एजेंट को अपॉइंट करते हैं ना यार मेरा घर बिकवाना है जैसे ब्रोकर को लगा देते हैं मेरा घर रेंट पे उठवा दो ना तो वो क्या कर रहा है वो हमारे बिहाफ पे टेनेंट ढूंढ रहा है और लेके आएगा तो ऐसे ही एप्पल के बिहाफ पे कुछ लोग कस्टमर्स ढूंढते हैं और वो लेके आएंगे और क्या करेंगे काम करेंगे है ना ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है हाँ आप ऐसा कर सकते हो मैम तो वो एजेंट जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं दूसरी चीज आप खुद आओ यहाँ पे एप्पल के कुछ ऑफिस खोल लो उस ऑफिस से आप प्रमोशन करो लोगों को अट्रैक्ट करो वो लोग आए वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट वगैरह रखो और बेचो ये दूसरा काम हो गया तीसरा काम हुआ आप यहाँ आओ यहाँ पे एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खोलो मतलब द मोस्ट ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट वी हैव कंपनी। तो मतलब यहां पे आके आप एक कंपनी खोलो जो कि आपने किया क्या किया आपने? आपने खोली एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मतलब आप यहाँ आई और आपने एक प्राइवेट कंपनी खोली नाउ दिस इज कंपनी यस दिस इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनी प्रीवियस कंपनी लॉ पीसीएल लिख दिया बच्चे पूछेंगे मैम पीसीएल क्या है? लिखो अभी तुरंत लिखो लिख लेते हो ऐसे बाद में पूछोगे मैम पीसीएल क्या मुझे भी नहीं समझ में आता पीसीएल क्या है यार ठीक है तो प्रीवियस कंपनी लॉ ओके समझ पाई बात ठीक है मैम मैम एपल आई एनसी ने लेट से फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि साठ परसेंट सत्तर परसेंट शेयर्स अपने पास रखे हैं ठीक है तो मतलब एप्पल आईएंसी लेट से फॉर एग्जाम्पल फिक्टिशियस एग्जाम्पल है आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट होल्डिंग होल्ड सिक्सटी परसेंट शेयर्स ऑफ एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तो क्या होगा एप्पल आईएनसी आप होल्डिंग होगे और ये सब्सिडियरी होगी मैम ये सब्सिडियरी कंपनी है ये तो समझ में आता है ये होल्डिंग कंपनी कैसे होगी क्योंकि ये तो कंपनी है ही नहीं इट इज नॉट अ कंपनी इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट इसीलिए तो यहां लिखा है कि कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट ओनली फॉर दिस कंसेप्ट ऑफ होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट ठीक है तो इस कम कंसेप्ट के लिए इस हम बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड करते हैं तो यहां पे हम बोल देंगे कि एप्पल आईएनसी आप होल्डिंग आई हो और ये जो एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है वो क्या है सब्सिडी है इतना जानना काफी है इससे आगे जरूरत नहीं है ओके okay? चलो अब आते हैं भाई हम एसोसिएट <coughs> पे या आप रीड कर सकते हो नॉट नीड इट बट इफ यू वॉन्ट ऑफकोर्स यू कैन रीड इट और ये इलास्ट्रेशन मैंने आपको करा दिए हैं एग्जाम्पल तो आप कर सकते हो देख सकते हो अब आते हैं हम एक एसोसिएट कंपनी पे भी क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल जब हम पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट हम ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर ले तो एसोसिएट कंपनी क्या होती है अगेन हमारे पास एक कंपनी है लेट्स से फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड ये क्या कर रही है होल्ड कर रही है शेयर्स थर्टी परसेंट इन सी लिमिटेड अब ये थर्टी परसेंट मतलब आप सब्सिडियरी तो बने नहीं अगर मोर देन फिफ्टी हो जाता तब तो आप सब्सिडियरी बन जाते अब आप सब्सिडियरी तो बने नहीं हो सिर्फ थर्टी परसेंट तक ही है तो क्या किया जाए तो इसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और जिसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है वो क्या कहलाता है दूसरा वाला एसोसिएट और ये वाला इन्वेस्टिंग एक छोटी सी चीज चलो मैं लिख देती हूं फटाफट से कुछ एंटरटेनमेंट तो आपका भी बनता है एसोसिएट मतलब क्या है एक कंपनी दूसरी कंपनी में मोर देन इक्वल टू ट्वेंटी परसेंट वोटिंग पावर होल्ड करेगी तो इनके बीच में एसोसिएट का रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाता है एक्साम्पल ए लिमिटेड होल्ड 60 परसेंट शेयर्स इन बी लिमिटेड इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा कमॉन यू हैव टू क्विकली रिस्पॉन्ड होल्डिंग सब्सिडियरी कमॉन अरे रे मिट कहा रहे हो इनके बीच में क्या होगा या मैं ऐसे लिखती हूं ए लिमिटेड क्या कहलाएगी अरे यार होल्डिंग और ये बी लिमिटेड क्या कहलाएगी सब्सिडेरी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए पढ़ के आए हैं हम दूसरा केस लेते हैं ए लिमिटेड है ये होल्ड कर रही है थर्टी परसेंट शेयर्स किसमें बी लिमिटेड में ठीक है तीसरा केस लेते हैं ए लिमिटेड होल्ड कर रही है टेन परसेंट शेयर्स इन बी लिमिटेड ठीक है और पहले इन तीन केसेस को समझते हैं यहां पे क्या होगा इसको हम कहते हैं इन्वेस्टिंग कंपनी और इसको हम कहते हैं एसोसिएट कंपनी और यहां पे नो रिलेशन समझो मेरी बात जो फुल्ली कंट्रोल करता है ना वो वाइफ होती है जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है वो गर्लफ्रेंड होती है और वो तीसरा वाला जो नो no रिलेशन का केस है ना वो ख्यालों में है यार जिंदगी में नहीं है हकीकत में नहीं वो आपकी क्रश है तो वहां पे कोई रिलेशनशिप बनी नहीं पाता है। तो मतलब वाइफ वहां पर होल्डिंग सब्सिडरी की रिलेशनशिप हो जाती है और गर्लफ्रेंड तो है Crush, मतलब no relation. तो अगर ट्वेंटी परसेंट से नीचे शेयर होल्डिंग है तो भाई कुछ बना नहीं है मामला अभी ख्यालों में ही है नो रिलेशन ट्वेंटी परसेंट या उससे ऊपर है पर फिफ्टी परसेंट तक ही है तो गर्लफ्रेंड है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो इन्वेस्टिंग एसोसिएट का रिलेशनशिप है फिफ्टी परसेंट से ऊपर चला गया तो कंट्रोल है वाइफ का रिलेशनशिप है ठीक है समझ में आई बात चलो अच्छा अगर मैं एक और एग्जाम्पल लू कि ए लिमिटेड है वो होल्ड करते हैं फिफ्टी परसेंट शेयर इन बी लिमिटेड तो इस केस में क्या होगा मैम इस केस में भी एसोसिएट होंगे ये और ये होगी इन्वेस्टिंग क्यों क्योंकि मोर देन फिफ्टी परसेंट चाहिए टू बिकम सब्सिडियरी अगर फिफ्टी परसेंट भी है तो नहीं चलेगा पर अगर ट्वेंटी परसेंट है तो चलेगा ठीक है मतलब एक और एग्जाम्पल देती हूं ए लिमिटेड होल्ड ट्वेंटी परसेंट शेयर्स इन बी लिमिटेड तो यहां पे भी क्या हो जाएगा एसोसिएट इसको कहलाएगा ये एसोसिएट और ये इन्वेस्टिंग कंपनी कहलाती है ठीक है अगर ये नहीं भी होता है आई होप यू हैव रिटन इट इफ यू हैव नॉट इट क्विकली टेक अ फोटो वगैरह ठीक है ना अगर ये नहीं भी होता है मतलब आपके पास कोई शेयर होल्डिंग या वोटिंग पावर नहीं है पर एक जॉइंट वेंचर है मतलब आप एक साथ में काम करने वाले हो तो भी आपको क्या कह देते हैं एसोसिएट कंपनी कहलाते हो आप ठीक है तो कोई भी जॉइंट अरेंजमेंट आपने किया है आपने एक तीसरी कंपनी फॉर्म की है जॉइंटली कर रहे हो ठीक है तो आप तब भी एसोसिएट कहलाओगे आपने विदाउट फॉर्मिंग एनी जॉइंट वेंचर मतलब ऐसे ही कोई काम शुरू तो अगर आप जॉइंट वेंचर कर रहे हो या जॉइंट अरेंजमेंट आपका कोई है तो भी आपको एसोसिएट कहलाया जाता है ठीक है सो इन रिलेशन टू एन अदर कंपनी इट मीनस कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस वो वाली कंपनी का मेरे पास सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है पर वो सब्सिडियरी नहीं है एंड इट इन्क्लोजर ज्वाइंट वेंचर सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस क्या होता है एटलीस्ट ट्वेंटी परसेंट की वोटिंग पावर हो ठीक है एक बात यहां पर और लिखी हुई है और क्या बात लिखी है it has been clarified that shares held in fiduciary capacity fiduciary capacity क्या होता है ये मेरा मोबाइल ठीक है मैंने आपको ऐसे मोबाइल पकड़ाया कि बेटा एक मिनट पकड़ना i have to go somewhere i'll be back in 5 minutes अब वो मोबाइल फोन क्या आपका है या you are holding it in fiduciary capacity हम वी आर होल्डिंग इट इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी हम ट्रस्ट में होल्ड कर रहे हैं आपने हम पे विश्वास किया है हम विश्वास में होल्ड कर रहे हैं क्या आप बेच दोगे मेरा मोबाइल हे ऐसा मत करना मेरे साथ तो आप ऐसा नहीं करने वाले हो मेरे साथ है ना क्यों क्योंकि वो आपका है ही नहीं तो वैसे ही कभी कभी क्या होता है देयर इज अ कंपनी कंपनी आप किसी के ट्रस्ट में होल्ड कर रहे हो कुछ शेयर्स तो क्या वो आपके शेयर्स हो गए नहीं नहीं आपके नहीं हुए तो क्या उन शेयर्स को हम काउंट करेंगे जब हम चेक कर रहे हैं कि दूसरी वाली कंपनी आपकी सब्सिडियरी है या एसोसिएट है नहीं हम नहीं करने वाले हैं ठीक है तो जो शेयर्स हम फिड्यूशी कैपेसिटी में होल्ड करते हैं दे आर नॉट काउंटेड फॉर रिलेशनशिप इवन इफ इट इज होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट ठीक है तो दोनों केसेस में अप्लाई होता है बस ध्यान रखना है बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है इसको ठीक है चल बाकी आपको अंडरलाइनिंग दिख रही है वॉट आर द कीवर्ड्स वो भी दिख रहा है सो कीप योर फोकस इन है ना लक्ष्य याद रखना है यू हैव टू रिमेंबर योर अटेम्प्ट यू हैव टू रिमेंबर कि नहीं मेरे को पास होना ही होना है हर दिन अपने आप को ये याद दिलाना ही दिलाना है चलो बस लास्ट पॉइंट पे आते हैं ठीक है फिर मैं रैप अप करूंगी बाद में थोड़ा हम लंबा क्लास करेंगे करेंगे बट फिलहाल छोटे छोटे क्लासेस को हम रखेंगे ठीक है तो अब आपको सब्सिडियरी का कंसेप्ट पता है अब आपको होल्डिंग का कंसेप्ट पता है अब आपको एसोसिएट का कंसेप्ट भी पता है है ना तो अब हम आ जाते हैं डीम्ड सब्सिडियरी डीम्ड सब्सिडियरी ये क्या होता है मैम एक कंपनी है ए लिमिटेड होल्ड्स सिक्सटी परसेंट शेयर्स इन बी लिमिटेड ठीक है अब आपको समझ में आ गया कि ये ए लिमिटेड भाई तुम होल्डिंग हो और ये बी लिमिटेड क्या हो भाई तुम सब्सिडियरी हो है ना यह एक पब्लिक कंपनी है और ये भी एक पब्लिक कंपनी है तो एक पब्लिक कंपनी होल्डिंग है दूसरी पब्लिक कंपनी सब्सिडियरी है वन पब्लिक कंपनी इज होल्डिंग सेकेंड पब्लिक कंपनी इज सब्सिडियरी क्या कोई दिक्कत है हम कोई दिक्कत नहीं है अच्छा तो एक दूसरा केस लेते हैं ए लिमिटेड होल्ड्स सिक्सटी परसेंट शेयर्स ऑफ बी प्राइवेट लिमिटेड मैम ये एक प्राइवेट कंपनी है और ये एक पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी आप होल्डिंग हो और ये प्राइवेट कंपनी आप सब्सिडियरी हो अब कोई दिक्कत मैम अभी भी कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत क्या है होल्डिंग सब्सिडी नहीं हो सकते हैं भाई एक पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी की भी होल्डिंग हो सकती है एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की भी होल्डिंग हो सकती है कुछ भी हो सकता है उसमें क्या दिक्कत है कहीं रिस्ट्रिक्शन है क्या कुछ ऐसा आप बताना चाह रहे हो नहीं तो प्रॉब्लम क्या है अब प्रॉब्लम सुनो एक पब्लिक कंपनी ए लिमिटेड जो कि पब्लिक ऑफर दे सकती है जिसने कि पब्लिक ऑफर दिया मान लेते हैं ठीक है नहीं भी दे सकती तो भी ये रूल अप्लाई होता है मान लेते हैं कि दिया मतलब उसने करोड़ों रुपये रेज किए आम जनता के है ना वो पैसे उसने लगा दिए सिक्सटी परसेंट शेयर्स खरीदने में बी प्राइवेट लिमिटेड के मतलब एक प्राइवेट कंपनी के शेयर्स खरीदने में उसने वो पैसे भी तो दिए होंगे ना शेयर होल्डर बने तो उसमें इन्वेस्ट किया अब वो प्राइवेट कंपनी कुछ भी कर रही है कोई मतलब नहीं है क्यों क्योंकि गवर्नमेंट ने तो जो नियम बनाए हैं पब्लिक कंपनी के ऊपर बनाए उन्होंने कहा प्राइवेट कंपनी तो क्या अपनी स्पेस में काम करती है अब हम क्यों इनको बोले ये बताओ वो डिस्कलोज करो ये रिपोर्ट दो वो रिपोर्ट दो ऐसे सबमिट करो ये डायरेक्टर लाओ वो डायरेक्टर कुछ नहीं बोला उन्होंने उन्होंने कहा प्राइवेट कंपनी है छूट दो यार काम करने दो उन्होंने कौन से जनता के पैसे ले लिए हैं है ना उन्होंने कौन सा ऐसा किया अब ऐसा हो रहा है पर आई उनके पास पैसा तो चला गया ना तो ऐसी सिचुएशन में बोला गया सब्सिडियर ऑफ अ कंपनी नॉट प्राइवेट कंपनी मतलब अगर एक पब्लिक कंपनी की आप सब्सिडियरी हो तो आपको पब्लिक कंपनी बाई इर्टिकल मतलब बी प्राइवेट लिमिटेड क्योंकि आप एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी हो तो आपको मान लिया जाएगा कि आप भी एक पब्लिक कंपनी हो डिस्पाइट द फैक्ट की आप प्राइवेट हो आपके आर्टिकल्स में रिस्ट्रिक्शन है प्रोहिबिशन है लिमिटेशन है सब है फिर भी आपको मान लिया जाएगा मतलब मतलब अब ये 200 से ऊपर रख सकते हैं नहीं ऐसा नहीं है पर्पस या इंटेंशन समझना इसका इंटेंशन क्या है डीम्ड सब्सिडियरी ऐसा करके कंसेप्ट लिखो ऊपर हेडिंग डालो डीम्ड सब्सिडियरी इंटेंशन is to take away to take away benefits granted to private company and to make all compliances applicable to a public Company relevant for such deemed subsidiary also. For such deemed subsidiary also. Okay. <coughs> तो होप पब्लिक कंपनी का ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है अब बच्चे अक्सर पूछते हैं कि मैम मतलब ये जो आपने बताया यहाँ पे कि बी प्राइवेट लिमिटेड है क्या ये अपना नाम एज इट इज़ रख सकते हैं द आंसर इज़ येस आप एज़ इट इज़ रख सकते हो बेसिक कैरेक्ट्रिस्टिक्स आपकी प्राइवेट कंपनी की ही रहेंगी uh, क्या हमें नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बढ़ाने है, ये करना है वो करना है वो सारी चीज़ें क्लियरली एक्ट में दी नहीं गई हैं इंटेंशन क्या है वो मैंने आपको बता दिया है तो ऐसी सिचुएशन में ये जो बी प्राइवेट लिमिटेड है इसको हम मान लेंगे कि ये पब्लिक कंपनी है और इसके ऊपर सारे पब्लिक कंपनी के कम्प्लाइंसेज़ को हम लगा देंगे प्राइवेट कंपनी की एग्जैमशनस ये नहीं एन्जॉय कर पाएंगे ठीक है मैम हमें याद क्या रखना है एग्जाम परपज के लिए आपको एग्जाम परपज के लिए जो मैंने हाईलाइट किया है ना यहाँ पे अंडरलाइन किया है वो याद रखना है सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी दैट्स इट राइट सो व्हाट इज अ पब्लिक कंपनी कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड हैज मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज प्रिस्क्राइब सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी ठीक है तो आज के क्लास में हमने कितनी डेफिनेशंस पढ़ी हैं अभी तक हमने पढ़ा है हमने पढ़ा है <laughs> क्या पढ़ा है राइट वी हैव रेड अबाउट दीज थ्री टाइप्स ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड स्टैचरी चार्टर्ड स्टैचुटरी उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ मेम्बर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल राइट चलो आज का क्लास करते हैं यहीं पे खत्म थैंक यू